नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा 19 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के क्या फायदे हैं, नियम मंत्र और संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। 19 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी राजाओं के सर्वोच्च है। इससे पहनने से जीवन के सभी सुख और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद होता है। 19 मुखी रुद्राक्ष का स्वामी ग्रह बुध है और इसे पहनने से बुध के क्रूर प्रभाव का इलाज करने में मदद मिलता है। 19 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर 19 लाइनें होती हैं जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। 19 मुखी रुद्राक्ष पहनने के फायदे, ये धन और सफलता को बढ़ाने में मदद करता है। ये पहनने वाले की स्मरण शक्ति तेज होती है। ये अतीत के पापों को दूर करने और वर्तमान को सुरक्षित करने में मदद करता है। ये व्यक्ति को सच्चा और ईमानदार बनाता है। ये मन से किसी भी प्रकार के भय को दूर करने में मदद करता है। असमय मृत्यु का भय अगर आपको सता रहा है तो इसे पहने तो आपका ये भय समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये भौतिक लाभ प्राप्त करने में मददगार है। ये बेहतर निर्णय लेने के लिए व्यक्ति के धैर्य और सहनशीलता में वृद्धि करता है। ये सभी प्रकार के क्षेत्रों में सक्रिय होने के लिए व्यक्ति की सहनशीलता को बढ़ाता है। ये वित्तीय स्थिति प्रदान करता है। ये धारक को करियर के विकास का वादा करता है। ये भावनात्मक कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। ये धारक को पेशेवर और सामाजिक रूप से पहचान दिलाने में मदद करता है। यौन समस्याओं और रक्त विकार के इलाज में मददगार है। अनाहत चक्र को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। ये जो है छाती के केंद्र में होता है अनाहत चक्र, तो इसको सक्रिय करने के लिए इसे पहना जाता है। ये नकारात्मक के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करता है। ये पहनने वाले में बिना शर्त प्यार, दयालुता और स्नेह की भावना पैदा करता है। ये अस्थमा, बुखार और एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है। अगर आपको अस्थमा है या बुखार है या एलर्जी होती है तो आप इस रुद्राक्ष को धारण कर लें, इससे आपको लाभ होगा। ये पहनने वाले को मल्टीटास्कर बनने में मदद करता है। ये रुद्राक्ष के जीवन के सभी पहलुओं में सौभाग्य को लाता है। पहनने की विधि, रुद्राक्ष को आप सोमवार को पहने या फिर महाशिवरात्रि के दिन पहने। इसे पहनने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें 108 बार, उसका धारण कर ले। उससे पहले आपको रुद्राक्ष को पवित्र करना होगा और उससे पहले आपको ये जानना होगा कि रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं। तो अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान ये होती है कि आप उसको पानी में डाल दें तो वो नीचे डूब जाएगा, तो एक गिलास पानी लीजिए उसमें रुद्राक्ष डालिए, वो डूब जाएगा, समझिए ओरिजिनल है। अगर नहीं डूबता ऊपर तैरता है तो समझ जाइए ये नकली है। तो नकली रुद्राक्ष से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, तो असली रुद्राक्ष चाहिए। तो जो रुद्राक्ष असली होगा वह काम करेगा। तो दोस्तों रुद्राक्ष को पहले सादे पानी से धोएं, फिर उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद फिर सादे जल से या गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसे जो है फूल, अक्षत, चावल, धूप दीप ये सब दिखाएं और उसके बाद 108 बार जाप करें पूर्व दिशा की ओर होकर, और इसको धारण करने से पहले इसे मंदिर में ले जाके भोलेनाथ को स्पर्श कराएं और उसके बाद पहने। और ये इस तरह से पहने कि आपके शरीर को टच होना चाहिए रुद्राक्ष, तब आपको इसको लाभ मिलेगा। इसको आप लाल धागे, काला धागे, सोना, चांदी किसी में भी पहन सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप।